दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक और अच्छा वीडियो, एक और अच्छी दवाई की जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि आज हम लेकर आए हैं लारियागो टेबलेट की फुल जानकारी। जी हाँ, जिसके बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक बात करेंगे और बताएंगे इसकी पूरी जानकारी और इसके क्या क्या यूजेज हैं। तो दोस्तों, लारियागो टैबलेट की जानकारी बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, तभी आपको वीडियो अच्छा लगेगा और जानकारी अच्छी समझ में आएगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं आज का लारियागो टैबलेट का ये वीडियो। लारियागो टैबलेट 250 mg टैबलेट इज़ एन एंटी पैरासिटिक मेडिकेशन दैट ट्रीट्स मलेरिया। जी हाँ, यह रक्त में हीम नामक मलेरियल पैरासाइट के लिए एक विषाक्त पदार्थ के स्तर को बढ़ाकर काम करता है। यह परजीवी को मारता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को और ये विषाक्त पदार्थ के अंदर जो स्तर उसका बढ़ता है, विषाक्त पदार्थ के द्वारा बढ़ने वाले स्तर को रोक देता है और उसको ख़त्म करता है और ये परजीवी को मार देता है। लारियागो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाने वाली दवा है जो इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट, सस्पेंशन के रूप में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, लारियागो नाम से आपको टैबलेट भी मिल जाता है और इसका सस्पेंशन भी आता है, सिरप भी आता है और इंजेक्शन की रूप में भी मिल जाता है। तो जिस तरह से आपका डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करता है, जिसके लिए आपको रिकमेंड करता है, आप उसी का इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की बिना सलाह के किसी भी दवाई का उपयोग ना करें। किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, जिससे कि आपका फ़ायदा ये होगा, किसी भी दवाई का गलत साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें ये लारियागो टैबलेट इंजेक्शन, सस्पेंशन, सिरप आदि के रूप में मिल जाती हैं। इसे मेनली मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इसका जो मेन उपयोग है, हमारा मेन यूजेज है इसका, वो मलेरिया के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात कर ली लारियागो टैबलेट के बारे में, इसका क्या यूज़ है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं, मेरे हाथ में ये लारियागो टैबलेट का पूरा बॉक्स है जो कि सिप्ला, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, जो काफ़ी अच्छी ब्रांड है और इसके अंदर आपको बहुत सारी स्ट्रिप्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 × 5 यानी कि 25 स्ट्रिप्स इसके अंदर आपको इस तरह से मिल जाते हैं, क्योंकि पूरे बॉक्स के अंदर निकलते हैं। तो 25 स्ट्रिप्स के साथ लारियागो टैबलेट मैंने मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक स्ट्रिप्स की एमआरपी की। तो उस पर एक स्ट्रिप्स पे एमआरपी कुछ 12.49 रुपये फॉर 10 टैबलेट्स के लिए इसका दिया हुआ है एमआरपी, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ख़रीद सकते हैं दोस्तों। और किसी भी दवाई का को परचेज़ करने से पहले आप उसकी एमआरपी और एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मई 2021 में ये मैन्युफैक्चर्ड हुई है और एक्सपायरी डेट की बात करें तो ये अप्रैल 2024 में एक्सपायर हो जाएगी। तो किसी भी दवाई को उसकी एक्सपायरी डेट से पहले यूज़ करें। एक्सपायरी डेट अगर उसकी निकल चुकी है तो आप कभी भी उस दवाई का यूज़ ना करें। अगर ऐसा आपने किया है तो इसका आपको किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की लारियागो टैबलेट की जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से दवाइयों से रिलेटेड जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए इनके फार्मेसी नॉलेज के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नई दवाई की नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।